खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की है, जहां पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अयोध्या से शुरू हुआ भाजपा का ब्राह्मण सम्मेलन आज बरेली में हुआ। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारने का आरोप लगाया है। तो वहीं राम मंदिर बनाने पर जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे तो उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए बरेली से ब्यूरो चीफ हर्ष साहनी की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आप सबसे छुपा नहीं है कि किस तरह के हालात हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी तरफ ले लीजिए, किसी भी मसले पर ले लीजिए, आपको हर तरफ निराशा ही निराशा नजर आएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने 4.5 वर्ष पहले वही गलती क्यों दोहरा दी जो हमने 2012 में दोहराई थी, जब पूरे प्रदेश के लोगों को आतंकित होना पड़ा, परेशान होना पड़ा, हत्याओं का दौर चला, बलात्कारों का दौर चला, दंगों फसादों का दौर चला, और उसके बाद ये सरकार आप लेकर के आए। आपने सोचा कि ये तो धर्म की बात करते हैं और इनको अगर हम मौका देते हैं तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन की सरकार रहेगी, अमन चैन का वातावरण रहेगा, ये सोच करके आप उत्तर दे। बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन करेगी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ गठबंधन करेगी, किसी पार्टी के साथ नहीं। तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तमाम विपक्षी दल मिल रहे हैं, अब इस तरह के तीसरा चौथा पांचवा छठा तो चलता ही रहेगा। जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ गई है और सर्व समाज उसके साथ में जुड़ गया है तो इस तरह के अब मोर्चों का गठन तो होना शुरू हो ही जाएगा। आपने पिछली बार सपा से और कोई पूछ रहे हैं? और कोई सपा से आपने और किसी को पूछ रहे हैं कि नहीं? खाली सर, क्या चीज बिकरू कांड के लेकर जो देखिए, मैंने कहा कि खुशी दुबे के मामले में घोर अन्याय हुआ है और जब घोर अन्याय हुआ है और खुशी दुबे के मामले में 750 तो जो भी हमसे बन सकता होगा हम सब चीज़ें मदद करेंगे। आप सरकार बनती तो राम मंदिर बनवाएंगे क्या? आपने सुना तो